एक ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसीटी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और उससे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं रक्त तथा परिसंचरण तंत्र। हमने रक्त के बारे में डिटेल से पढ़ा है, रक्त के घटकों के बारे में पढ़ा है, उनमें हमने पहले पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा को आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लाज्मा के बारे में हमने जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो लवण पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेकंड स्टार्ट किया था ब्लड कॉर्पस यानी कि रुधिर की जो कणिकाएं होती है, उनमें से पहली हमने पढ़ी थी आरबीसी। आरबीसी को डिटेल में पढ़ा, और हमने कल स्टार्ट किया था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की होती थी, हमने पढ़ा था कणिकामय और अकणिकामय। तो हमने अकणिकामय जो डब्ल्यूबीसी थी उसको पढ़ा था, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि जिसे बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। इस प्रकार की ल्यूकोसाइट के कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकृति में कण पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के जो ल्यूकोसाइट है। अब जब ये वर्ड आया है ल्यूकोसाइट क्या होता है आप खुद सोचे, अगर आपने पिछले वाला वीडियो ध्यान से अच्छे से पढ़ा और समझा है तो आपको इस वर्ड का मतलब पता चल गया होगा, और नहीं चला है तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रकार की ल्यूकोसाइट। हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रहेगा रह जाएगा। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है, बक्सर अणु बोलते हैं ना इसको। इस प्रकार की ल्यूकोसाइट के कोशिका द्रव्य में, किस प्रकार के ल्यूकोसाइट, ये कणिकामय, इस प्रकार की ल्यूकोसाइट के कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकृति के कण पाए जाते हैं। मान लो कि ये डब्ल्यूबीसी है, कौन सी कणिकामय, इस प्रकार की कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न आकृति के कण पाए जाते हैं ऐसे इस प्रकार के। फिर बात करते हैं क्या केंद्र होता है, वो पाली में लोब्ड होता है, पाली में बटा होता है, दो पाली में बटा होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा की कौन सी मायोब्लास्ट सेल्स है, याद रखना इनका निर्माण मायोब्लास्ट। हमने पहले वाले जो डिटेल में जो डिस्कस किए थे रक्त के घटक उसमें मैंने सब में बताया था, मैक्सिमम सब में रक्त क्योंकि इनका सबका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है, सबकी सेल्स अलग अलग थी। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है उनका निर्माण अस्थि मज्जा की माइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। फिर हम बात करते हैं ये तीन प्रकार की होती है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका, तीन प्रकार की होती है। पहली है अपनी इओसिनोफिल या इसे बोला जाता है एसिडोफिल, इओसिनोफिल या एसिडोफिल। कुल डब्ल्यूबीसी का यह 1-3% भाग बनाता है, यानी कि कुल डब्ल्यूबीसी होता है उसका 1-3% भाग ये बनाता है। फिर इनकी कोशिकाएं होती है वो बड़ी गोलाकार तथा केंद्रक, इनकी कोशिकाएं बड़ी गोलाकार तथा केंद्रक पिंड की है, और दोनों पिंड एक महीन सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बात करूं ये इओसिनोफिल कोशिकाएं, इसमें कोशिकाएं बड़ी गोलाकार तथा केंद्रक पिंड की है, ये लो पिंड, एक ये पिंड, एक दूसरा पिंड, ये केंद्रक और महीन सूत्र संरचना द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों स्क्रीन, ये दोनों केंद्र की बात करें लोब में और महीन सूत्र द्वारा कणिकाओं द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और इसके कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक प्रकार के कर्णनुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो कोशिकाएं बड़ी गोलाकार तथा केंद्रक पिंड की है, और दोनों पिंडक एक महीन सूत्र द्वारा जुड़े रहते हैं, ये महीन सूत्र द्वारा जुड़े रहते हैं, इस प्रकार के इओसिनोफिल। फिर बात करें इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है लगभग 100-400 मिलीमीटर क्यूब, याद रखना। इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बड़े कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बड़े व गोल कण होते हैं जो अम्लीय, याद रखना इसमें पाए जाने वाले बड़े व गोल कण होते हैं जो अर्थात अम्लीय रंजक पदार्थ इओसिन से अभिरंजित होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम क्या पढ़ रहे हैं, इओसिनोफिल या एसिडोफिल। अब इओसिनोफिल क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो गोल और बड़े कण होते हैं वो कण क्या होते हैं, अम्लीय रंजक इओसिन द्वारा, अम्लीय रंजक इओसिन द्वारा स्टेन होते हैं, यानी कि इनकी स्टेनिंग हो जाती है, यानी कि इओसिन द्वारा अभिरंजित होता है। इस प्रकार इस पर अभिरंजित होने के कारण इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी को इओसिनोफिल या एसिडोफिल कहा जाता है। फिर बात करें नोट, ये आहार नाल की भित्ति में स्थित रक्त वाहिनी में पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर पाई जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में। यह आहार नाल की भित्ति की में स्थित रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। फिर अपना दूसरी है कणिकामय में बेसोफिल, ये कुल डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 0.5% तक का भाग बनाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। संख्या इसकी 25-200 मिलीमीटर क्यूब तक होती है, इसका व्यास 8-10 माइक्रोन होता है, और ये सारे अभिरंजक, कौन सा सारे अभिरंजक, मिथाइलिन ब्लू, सारे अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है, याद रखना। इससे पहले वाली कौन सी थी, इओसिनोफिल, जो किससे हो रही थी, इओसिन से,
कौन सी है? बेसोफिल, जो किससे हो रही है? मिथाइलिन ब्लू से, और इसका नाम है बेसोफिल। इसके बाद हम तीसरी डिस्कस करते हैं, तीसरा है न्यूट्रोफिल। कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं का तीसरा, दो हमने पहले पढ़ दिए थे, तीसरा न्यूट्रोफिल। कुल डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा पार्ट यही रहेगा, क्योंकि ये काम क्या करता है, आप सबको बताया कि शरीर की सबसे ज्यादा मात्रा पाए जाने वाले जो भक्षण कोशिका है, यानी कोई भी बाहर से एंटीजन अंदर आ गया, उन सबको नष्ट करने में काम करने में सबसे ज्यादा रोल ये प्ले करता है। तो न्यूट्रोफिल कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 67% भाग बनाता है। आकार इसका 10 से 12 माइक्रोन तक होता है, लेकिन मैक्सिमम यानी कि मुख्यतः क्या होता है, ये गोल ही नजर आते हैं। याद रखना, हमने पहले पढ़ा था कि इनका कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन न्यूट्रोफिल को देखने पर ये हमें गोल ही नजर आते हैं। केंद्रक इसका बहुरूपी होता है, यानी कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग कंडीशन में केंद्र की स्थिति और आकार बदलता रहता है, क्योंकि शरीर के हर एक हिस्से में जहां कहीं भी संक्रमण होता है वहां ये कोशिका अपना रोल निभाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका केंद्र का आकार भी बदलता रहता है। ये उदासीन प्रकार की होती है, क्योंकि ये मेनली नॉर्मल कंडीशन के अंदर उदासीन रहती है। जब भी कोई संक्रमण होने के बाद ये एक्टिव होती है, उसके बाद ये काम करती है। ये एक मिनट में लगभग 40 माइक्रोन तक गति करती है। ये शरीर की सबसे ज्यादा मात्रा पाए जा रहे कारण यह भक्षण कोशिकाएं काफी बार क्या कर देती है, आपने पढ़ा होगा कि इस बॉडी के अंदर ब्लड की वजह से ब्लड सेल्स आपस में मरकर ब्लड की जो भी कार्पल्स प्लेटलेट्स है उनको नष्ट कर रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा पाए जाने पर काफी बार संक्रमण अतिरुद्ध हो जाता है। अतिरुद्ध मतलब कि संक्रमण का फैलाव के बीच में गैप आने पर यह पहचान नहीं पाती है कि कौन सी जो भी कोशिकाएं हैं जो मुख्यतः ब्लड की है, कौन सी है जो बाहर से आई हुई एंटीजन है, ये पहचान नहीं पाती, जिससे ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। जीवाणु तथा अन्य पदार्थ को भी नष्ट करके बॉडी की रक्षा यानी शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी अपने ब्लड की रुधिर कणिकाओं का तीसरा पार्ट था, अपने ब्लड प्लेटलेट्स या जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं, उसको देखते हैं। ये सबसे लास्ट पार्ट है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल और केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। अब ये केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है, तो दूसरे जीवों के अंदर इसकी जगह पर क्या पाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था कि स्तनधारियों के अलावा दूसरी जगह पर प्लेटलेट्स की जगह पर पाए जाते हैं स्पिंडल सेल्स। स्पिंडल सेल्स अपने अंदर नहीं पाए जाते, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं जो बॉडी के बाहर निकलते ही टूट जाते हैं और ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो सिर्फ स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है, रुधिर के स्कंदर यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग या जमाव या रुकाव में मदद करती है। संख्या में आरबीसी के समान होती है, लगभग बहुत ज्यादा संख्या में होती है, लगभग 2 से 2.5 लाख mm क्यूब तक होती है, यानी कि आरबीसी के बराबर मात्रा में यह पाई जाती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं रहेगा और इसका सेम पॉइंट साइज होगा वो भी फिक्स नहीं रहेगा। इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि ये ब्लड के स्कंदर में काम करती है, तो उसके अनुसार इसका जो आकार होता है वो ऑर्गन यानी अंग के अनुरूप पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाएगा, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा की मेगाकैरियोट्स कोशिकाओं से होता है, शरीर के बाहर निकलते ही टूट जाती है और रुधिर स्कंदर को प्रारंभ कर देती है। अब प्रारंभ कैसे करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मुख्यतः ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती है, लेकिन प्लेटलेट्स का काम करती है, जहां पर भी लसी का गांव से गांव बने उस गांव के अंदर जाकर जो डब्ल्यूबीसी ने जालीनुमा संरचना बनाई है, इस जालीनुमा संरचना के अंदर फिट हो जाती है प्लेटलेट्स और ब्लड के जो बहाव को रोक देती है, तो इस प्रकार ये हेल्प करती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ब्लड के अंदर तीनों रुधिर कणिकाओं के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है, यानी कि ब्लड अपनी बॉडी में कौन कौन से और भी कार्य करता है, उन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। रक्त के कार्य, यानी कि ब्लड अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से कार्य करते हैं, उनको हम डिटेल में एक एक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड यानी बंध बनाता है और ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। तो सबसे पहले फंक्शन ये हो गया कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी कि उनको ढोने का लाने ले जाने का कार्य ब्लड करता है। ये तो इसका मेन फंक्शन हो गया। इसके साथ साथ ये जो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है, इसके साथ साथ और भी कार्य होते रहते हैं जो ब्लड अपने बॉडी के अंदर करता है। वो कौन सा हो गया कि मान लो कि जब भी ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक लेके जाएगा, तो जब भी वापस जो वेस्ट मटेरियल्स रहेंगे यानी कि उत्सर्जित पदार्थ वो भी वापस रिलीज होंगे, तो उनको भी अपने साथ लेके आता है। तो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। दूसरा है ब्लड अपने बॉडी के अंदर उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं कि उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन में मदद करता है। उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन में मदद करता है। अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है, यूरिया आदि मुख्यतः यूरिया है। तो इसके उत्सर्जन में भी मदद करता है। ऑक्सीजन का यानी कि गैसों का परिवहन, उत्सर्जन का
फिर तीसरा है मुख्य, देखो बॉडी के हर भाग के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो उसमें देखो बॉडी के हर भाग में पाया जाता है सबसे ज्यादा अपने बॉडी के अंदर मात्रा में पाया जाता है वो होता है वाटर यानी कि जल। तो ये जल का नियमन भी करता है, जल का नियमन किस प्रकार करेगा, क्योंकि हमने प्लाज्मा पढ़ा था, तो प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है कि लगभग 92% तक वाटर पाया जाता है यानी कि जल होता है। तो बॉडी के किसी भी अंग के अंदर अगर जल की कमी हो रही है तो वहां पर जल का नियमन भी कौन करता है, रक्त करता है यानी कि ब्लड करता है। अब देखो जब गैसों का परिवहन भी हो रहा है, उत्सर्जित पदार्थ भी बाहर आ रहे हैं, जल का नियमन भी हो रहा है, तो बॉडी के तीन मुख्य काम है जो ब्लड खुद संपन्न कर रहा है। तो इनके साथ साथ जो दूसरे अन्य काम है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि समय के दौरान रिलीज किए जाते हैं या फंक्शन होते हैं वो काम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। कैसे कि मान लो कि अपने अंदर जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है यानी कि हार्मोन उत्सर्जित हो रहा है, इन उत्सर्जित हार्मोनों का परिसंचरण करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही हार्मोन बॉडी के अंदर आगे की ओर गति करते हैं। फिर बात करेंगे ब्लड का एक मुख्य कार्य यह भी है कि अपना विसरण दाब को बनाए रखता है यानी कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो विसरण दाब है उसको संतुलित रखता है, विसरण दाब को संतुलित रखता है। अब देखो अगर विसरण दाब संतुलित है यानी कि बॉडी के अंदर रोग वगैरह है वो नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो क्या करती है, डब्ल्यूबीसी रोगों या जीवाणुओं को भक्षण करती है, तो मुख्य ये भी एक फंक्शन हो गया कि रोगों से सुरक्षा करते हैं, रोगों से सुरक्षा करते हैं किसके माध्यम से, क्योंकि ब्लड के अंदर घुलित अवस्था में जो प्लाज्मा के ऊपर तैरती हुई कणिकाएं पाई जाती है कौन सी, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के माध्यम से डब्ल्यूबीसी के माध्यम से रोगों से रख सकता है। फिर देखो विसरण दाब अगर संतुलित है तो साथ साथ बॉडी का पीएच भी मेंटेन रहेगा, तो याद रखना शरीर के पीएच को मेंटेन रहता है, शरीर के पीएच को संतुलित रखता है। अगर बॉडी के अंदर सभी पाया जाने वाला अगर पीएच संतुलित है, रोग नहीं हो रहे, विसरण दाब भी अगर संतुलित है, जल का नियमन पूर्णता हो रहा है, उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन भी हो रहा है और ऑक्सीजन भी टाइम पीरियड कोशिकाओं तक मिल रही है, तो अब मुख्यतः एक ही चीज बाकी रह गई है वो है खाद्य पदार्थ यानी कि अवशोषित पदार्थों का परिवहन। तो रक्त द्वारा बॉडी के अंदर अवशोषित पदार्थों का, अवशोषित पदार्थ बोल दो या खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का नियमन किया जाता है, क्योंकि ये सब रक्त के अंदर घुलित अवस्था में ही कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। देखो अगर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का अवशोषण ब्लड द्वारा किया जा रहा है तो इससे निकलने वाली एनर्जी ब्लड के अंदर घुलित फॉर्म में नहीं रहेगी, कोशिकाओं की एनर्जी एटीपी के रूप में निकलती है, वो कोशिकाओं के अंदर होती है और ब्लड कोशिकाओं के बाहर नलिकाओं में बहता है। तो याद रखना बॉडी का जो परिसंचरण तंत्र का नियमन भी रक्त द्वारा ही होता है, यानी कि रक्त का जो फ्लो होता है यानी कि बहने की प्रवृत्ति वो खुद रक्त मेंटेन करता है, तो परिसंचरण का नियमन करता है, परिसंचरण का नियमन करता है। और लास्ट रक्त का यह कार्य है अन्य रसायनों जैसे लवण कोमा घुलित पदार्थ तथा अकार्बनिक लवणों का संचरण करता है, अकार्बनिक लवणों का संचरण करता है। ये मुख्यतः 10 प्रकार के जो कार्य है वो रक्त अपनी बॉडी के अंदर करता है, और इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऊपर वाला जो 5 प्रकार के जो कार्य मैंने लिखे हैं वो मुख्य कार्य है, यानी कि ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना, यानी कि गैसों का परिवहन करना, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन में मदद करना, जल का नियमन करना, हार्मोन का परिसंचरण में और विसरण दाब को संतुलित करना, रोगों से सुरक्षा करते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, भक्षण कोशिकाएं पाई जाती है। एक और कार्य लिख सकते हैं हम यहाँ पे, घाव को भरने में मदद करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
तो ये मुख्य मुख्य जो कार्य थे वो ब्लड अपनी बॉडी के अंदर करता है, और इसी के साथ अपना जो ब्लड वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रक्त समूह, यानी कि रक्त अपने कितने टाइप के बॉडी के अंदर रक्त पाए जाते हैं, कौन कौन से समूह के मनुष्य ज्यादा से संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं, मनुष्य की प्रजाति कौन से रक्त समूह की रह गई है, कौन सा रक्त समूह विलुप्त होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। रक्त के बाद अपना अगला टॉपिक है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। इससे पहले हमने जो ब्लड के बारे में जो डिस्कस किया था उसी के आधार पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। उन्होंने क्या ऐसा रक्त के अंदर देखा जिसकी वजह से उन्हें लगा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर रक्त समूह में बदलाव हो सकता है। तो सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसी मनुष्य के रक्त के रुधिर में प्रोटीन के अंदर जो अंतर होता है, यानी कि उनके रक्त की जो प्रोटीन पाई जाती है उन प्रोटीन के अंदर जो अंतर होता है उसी अंतर के आधार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की, और उन्हें ब्लड ग्रुप्स के बारे में रिसर्च करने का बढ़ावा मिला। याद रखना हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उन प्रोटीन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अनुवांशिक हो सकता है। ठीक है, मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक पदार्थ पाया जाता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज। आपने नाम तो पहले ही सुना होगा एंटीजन और एंटीबॉडीज। याद रखना एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे, ब्लड की ब्लड कार्पल्स में जो आरबीसी है आरबीसी की सतह पर पाए जाएंगे, और एंटीबॉडीज पाए जाती है रुधिर के प्लाज्मा के अंदर। ये दोनों को पता होना चाहिए। देखो आपने काफी बार सुना होगा कि ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ब्लड को दान किया जाता है या ब्लड चढ़ाया जाता है। उसमें ऐसा क्या देखा जाता है जिसकी वजह से ब्लड काफी बार तो ब्लड का गुच्छन यानी कि क्लोटिंग हो जाती है। तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखा जाता है कि उनके अंदर ब्लड ग्रुपों को अंदर पाए जाने वाले आर एस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी का लेवल देखकर अगर दाता का जो रक्त है वो ग्राही के रक्त के साथ मेल खा जाता है तो वो रक्त उसके अंदर प्रवाहित होता रहता है, अगर मेल नहीं खाता है तो उसका ब्लड का गुच्छन हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उन्हीं के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप में कैसे किस प्रकार के होते हैं। तो देखो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन कैपिटल लेटर में ए और एंटीजन बी, ये दोनों कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। और एंटीबॉडीज भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी, ये दोनों होते हैं। अब ये दोनों एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, या ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं देखो ब्लड ग्रुप, तो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन के आधार पर लैंडस्टीनर ने तीन प्रकार के रक्त समूह की खोज की, और चौथा जिसे हम ओ कहते हैं वो एक दूसरा है न्यूट्रल टाइप का होता है, अलग प्रकार है। मुख्यतः रक्त के अंदर ए बी और ए बी तीन प्रकार के रक्त समूह और ओ बी। तो देखो पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए, मुख्यतः चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं ए बी ए बी और ओ, ये तो चार प्रकार के रक्त के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर है, और ओ है जो न्यूट्रल जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो पहले बात करते हैं ए की, तो ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर एंटीजन ए हो तथा एंटीबॉडी बी हो, यानी कि जिस प्रकार का रक्त समूह जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है उस प्रकार के रक्त समूह को ए कहते हैं। देखो नॉर्मल्स में इस टेबल को याद रखने का आसान तरीका है कि जो एंटीजन होगा उसी नाम से या वही प्रकार का ब्लड ग्रुप अपने को याद रखना। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए मतलब ब्लड ग्रुप ए और इसका एंटीबॉडी बी है। फिर बात करें ब्लड ग्रुप बी के बारे में, तो ब्लड ग्रुप बी कौन सा जिसके अंदर एंटीजन है, कौन सा प्रकार का एंटीजन है इसके अंदर, बी प्रकार का एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसकी एंटीबॉडी कौन सी, ए। अब बात करते हैं ए बी, अब देखो ए बी और ओ दो इंपोर्टेंट है, कैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, यानी कि देखो आप देख सकते हो ये ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों साथ में पाए जाते हैं, लेकिन एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। तो इसमें देखने को अपने क्या मिलता है कि हम देखते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर जो एंटीजन ए बी दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी प्रकार की प्लाज्मा में नहीं होती है। तो जब भी ब्लड का ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है जो केवल और केवल अपने वाले से ही रक्त ले सकता है, क्योंकि एबी वाले से लेगा क्योंकि एंटीजन इसका एबी है, लेकिन ये सब सॉरी एबी वाले को ले सकता है लेकिन ये सबसे ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी प्रकार की नहीं पाई जाती है, इसलिए सार्वत्रिक ग्राही।
फिर आता है चौथा अपना ब्रेक ग्रुप है वो है ओ। अब देखो ओ में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ओ के अंदर कोई भी प्रकार का एंटीजन है नहीं, एंटीजन एब्सेंट है। क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रकार की पाई जा रही है। तो इसमें यह है कि ओ प्रकार के जो रक्त समूह होगा वो सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त तो दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसके ब्लड का कुछ नहीं, प्रोटीन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सबको दे सकता है, सबके बॉडी के अंदर इसका ब्लड काम आ सकता है। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो ए और बी दोनों पाई जाती है। तो मुख्य भाग हमने क्या देखा, ब्लड ग्रुप के बारे में देखा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, दो एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन आरबीसी की सतह पर और एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा पाई जाती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड ये कुछ भी हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में सर्वाधिक ग्राही कौन सा है, ए बी, सर्वाधिक दाता ओ। तो इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे लंग्स से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो पर्टिकुलर एक सेल तक कैसे पहुंचती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।